हेलो एवरीवन, आज हम डिस्टिलेशन की बात करेंगे कि हमारा डिस्टिलेशन क्या कहलाता है। तो डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक होती है जहां पे हम टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं। तो इस टेक्निक में होता क्या है कि जो हमारे मिसिबल लिक्विड हैं, तो इन लिक्विड को हीट किया जाता है। तो ऑन हीटिंग ये कन्वर्ट होते हैं वेपर में, और फिर इस वेपर को कूल किया जाता है। तो ऑन कूलिंग ये वेपर कंडेंस होके क्या बनाती है, लिक्विड बनाती है। तो लिक्विड से वेपर और वेपर को कंडेंस करके फिर से लिक्विड बनाना, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। और डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम यूज कहां करते हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। दो मिसिबल लिक्विड के सेपरेशन के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे लिक्विड जो है वो इमिसिबल है, तो इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन हम कैसे करेंगे, तो इनका सेपरेशन हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू करते हैं। तो अगर आपके लिक्विड मिसिबल है तो उनका सेपरेशन तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू कर लेते हैं। और किस सॉल्यूशन का हम सेपरेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन का सेपरेशन भी हम डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू करते हैं। तो डिस्टिलेशन की हम डेफिनेशन नोट कर लेंगे। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग एंड द सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ द वेपर बैक इनटू द ओरिजिनल लिक्विड। और इनके यूजेस तो हम पहले बता चुके हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड एंड फॉर सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन देखेंगे। तो हमारा पहला टाइप है सिंपल डिस्टिलेशन, सेकंड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्ड है वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसको कि हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलते हैं, फोर्थ है स्टीम डिस्टिलेशन। तो हमारा पहला टाइप है सिंपल डिस्टिलेशन। तो इस डिस्टिलेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास दो मिसिबल लिक्विड का मिक्सचर हो और जिनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंस कितना हो, 30 डिग्री सेल्सियस से अबव हो। तो ऐसे मिसिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, तो ऐसे लिक्विड का सेपरेशन हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। अगर दो मिसिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है, तो वहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो सेपरेट करते हैं। तो मिसिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जितना कम होता जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उतना ज्यादा यूज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बढ़ता जाएगा हम वहां पे सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर देंगे। फिर थर्ड है वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसको कि हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलते हैं। तो यहां पे हम ऐसे लिक्विड को प्योर करते हैं, ऐसे लिक्विड को इम्प्योरिटीज से अलग करते हैं जो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, जिसको कि हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं, फॉर्मूला होता है CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। अब ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन में से हमें इम्प्योरिटीज को रिमूव कराना है, तो हमें वैक्यूम डिस्टिलेशन अप्लाई करना होगा। और जो हमारा स्टीम डिस्टिलेशन है ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा सब्सटेंस जो है, जब हमारा लिक्विड जो है स्टीम में तो वोलेटाइल है लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ऐसा लिक्विड जो वाटर में तो इनसॉल्युबल हो लेकिन स्टीम में सॉल्युबल हो, तो ऐसे लिक्विड से इंप्योरिटीज को हम अलग करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। तो ये लिक्विड आपका एनिलीन हो सकता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप हो तो ये एनिलीन कहलाता है। बेंजीन के ऊपर अगर NO2 ग्रुप हो तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल और क्लोरीन ग्रुप लगा हो तो ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन कहलाता है। तो ये लिक्विड जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन स्टीम में सॉल्युबल होते हैं। तो इन लिक्विड से इम्प्योरिटीज को हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू।
तो डिस्टिलेशन का हमारा पहला टाइप है सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम ऐसे दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। तो ऐसे दो मिसिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अबव हो, तो ऐसे लिक्विड का सेपरेशन हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ईथर है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारा टोलुइन है इसका बॉइलिंग पॉइंट 111 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर दोनों लिक्विड को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारा मिसिबल सॉल्यूशन बनेगा। और मिसिबल सॉल्यूशन हम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे, तो इनका सेपरेशन हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से अबव है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा बेंजीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारा एनिलीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 184 डिग्री सेल्सियस। तो जब इन दोनों लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो हमारा मिसिबल लिक्विड बनता है, और मिसिबल लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से अबव है, इस कारण इनका सेपरेशन हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हेक्सेन बॉइलिंग पॉइंट है 69 डिग्री सेल्सियस, और टोलुइन बॉइलिंग पॉइंट है 111 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा एसीटोन है बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा मिथेनॉल है, जिसको कि हम मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर में अगर इसको मिक्स किया जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे दो लिक्विड जो मिसिबल सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो उनका सेपरेशन सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाएगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो है तो उनका सेपरेशन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन में होता क्या है? तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क एक ऐसा फ्लास्क कहलाता है जिसके साइड से नली निकली होती है, जिसके साइड से ट्यूब निकली होती है। तो ऐसा फ्लास्क जिसके साइड से ट्यूब निकली हो, नली निकली हो, तो ऐसे फ्लास्क को हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम एक थर्मामीटर लगा देते हैं जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। फिर यहाँ पे कंडेंसर लगा देते हैं जो कि वेपर को कंडेंस करता है। फिर ये रिसीवर लगा देते हैं जो कि कंडेंस वेपर को कलेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे ऐसा मिसिबल लिक्विड लेंगे जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अबव हो। सपोज हमने ईथर एंड टोलुइन ले लिया। अब ईथर एंड टोलुइन का मिक्सचर हमने यहाँ पे ले लिया, बर्नर को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो जैसे ही थर्मामीटर की रीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचती है तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, तो ईथर जो है वो बॉइल होने लगता है। अब ईथर बॉइल होने लगता है तो ईथर की वेपर आएगी यहाँ पे, वेपर कंडेंसर में कंडेंस होगी और कंडेंस वेपर को हम यहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट कर देते हैं। जब बॉइलिंग बंद हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि सारा का सारा ईथर हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे तो हमको ईथर मिल गया, और इस फ्लास्क में अब क्या बचेगा, केवल और केवल टोलुइन बचेगा। हम रिसीवर को हटा के दूसरा नया रिसीवर यहाँ पे लगा देते हैं। अगर सपोज इस टोलुइन में ये जो मिक्सचर था इसमें नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, बर्नर का टेम्परेचर जो है वो और इंक्रीज करेंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर 111 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है टोलुइन बॉयल होने लगता है। टोलुइन बॉयल होगा, उसकी वेपर यहाँ पे आएगी, कंडेंसर वेपर को कंडेंस करेगी और कंडेंस वेपर इस रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगी। तो टोलुइन रिसीवर में आ जाएगा और नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी इस फ्लास्क के अंदर ही रह जाएंगी। तो ये हमारा सिंपल डिस्टिलेशन हो गया। सिंपल डिस्टिलेशन में हम ऐसे दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। किसी किसी बुक में 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है, किसी किसी बुक में 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो हम 30 डिग्री सेल्सियस मानते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस से अबव का डिफरेंस है, तो ऐसे लिक्विड को हम
सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं, और अगर टेम्परेचर में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से कम का होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिस्कस करेंगे कि हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कहलाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम ऐसे दो मिश्रित लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ब्लू होता है। तो ऐसे मिश्रित लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ब्लू होता है, तो ऐसे लिक्विड का सेपरेशन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में केवल और केवल डिफरेंस होता है एक चीज का कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम एक ऐसी ट्यूब होती है जहां पर वेपर जो है वो रुक रुक के जाती है, मतलब वेपर को पास होने में टाइम लगता है। तो फ्रैक्शनल कॉलम हम ऐसा बनाते हैं जहां पर वेपर जो है वो आसानी से ऊपर ना जा पाए। वेपर को पहुंचने में, वेपर के रास्ते में हम बहुत सारी रुकावटें जो है वो पैदा करते हैं। तो एक तो आपका फ्रैक्शनल कॉलम ऐसा हो सकता है, एक फ्रैक्शनल कॉलम ऐसा होता है यहाँ पे कांच के टुकड़े जो है वो भर दिए जाते हैं, या आपका फ्रैक्शनल कॉलम ऐसा हो सकता है। तो अब हमें जिन लिक्विड को सेपरेट करना है उनको हमें इस फ्लास्क में लेना होगा, तो वो सॉल्यूशन हम इस फ्लास्क में लेंगे। तो सपोज हमारा मिक्सचर जो है वो एसीटोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 56 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा मिथेनॉल है, मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है 65 डिग्री सेल्सियस। अगर एसीटोन और मिथेनॉल का मिक्सचर है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंस कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो ये 9 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ब्लू है। इस कारण ये जो मिक्सचर है एसीटोन एंड मिथेनॉल का, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, एसीटोन और मिथेनॉल के मिक्सचर को हम यहाँ पे ले लेंगे। बर्नर के थ्रू हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्योंकि दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है, इस कारण दोनों लिक्विड की वेपर जो है वो ऊपर जाएंगी। ये थर्मामीटर लगा होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, ये कंडेंसर लगा होता है जो कि वेपर को क्या करेगा, कंडेंस करेगा, और ये रिसीवर है जो कि कंडेंस वेपर को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे एसीटोन एंड मिथेनॉल दोनों की वेपर जो है वो जाएंगी, लेकिन चूंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो एसीटोन की वेपर ऊपर रहेगी निश्चित तौर पे, और मिथेनॉल की वेपर नीचे रहेगी। तो एसीटोन की वेपर ऊपर जा रही है, मिथेनॉल की वेपर नीचे जा रही है। तो क्या होता है, एक तो ये हर्डल है, इनके कारण मिथेनॉल की वेपर जो है वो ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। दूसरा क्या है कि ऊपर तो एसीटोन की वेपर है, तो एसीटोन की वेपर का प्रेशर प्लस ये जो हर्डल है फ्रैक्शन कॉलम में, इनके थ्रू क्या होगा कि मिथेनॉल की वेपर कंडेंस होकर इस राउंड बॉटम फ्लास्क में गिर जाती है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने तक केवल और केवल एसीटोन की वेपर रहेगी, मिथेनॉल की वेपर जो है वो कंडेंस होकर यही राउंड बॉटम फ्लास्क में गिर जाएगी। अब एसीटोन की वेपर यहां पे आएगी, कंडेंसर क्या करेगा, उसको कंडेंस कर देगा और इसको हम रिसीवर में कलेक्ट कर देते हैं। तो जब सारा एसीटोन वेपर बन के कंडेंस हो जाता है और इस रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है, तो फिर इस रिसीवर को हटा के दूसरा नया रिसीवर लगा देते हैं। तो एसीटोन हमको रिसीवर में और मिथेनॉल जो है वो हमको इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, मिथेनॉल को भी कलेक्ट करना होगा रिसीवर में। तो फिर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब मिथेनॉल की वेपर तो अकेली है, मिथेनॉल की वेपर यहाँ पे आएगी, कंडेंस होगी, रिसीवर में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो मिथेनॉल हमको यहां मिल जाएगा, जो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज है वो हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएंगी। तो ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम ऐसे लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से कम का होता है। तो एक एग्जांपल तो हमारा एसीटोन मिथेनॉल का है, दूसरा एग्जांपल जो है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनका सेपरेशन भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमको पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, तो ये प्रोडक्ट हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही मिलेंगे। फिर जो हमारा एयर है, एयर जो है वो मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का एंड आर्गन का।
हमको पता है कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -186 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -183 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चूंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो कम है, 30 डिग्री सेल्सियस से कम है, इस कारण एयर में जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गन के कंपोनेंट होते हैं इनका सेपरेशन भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, और एयर से एयर के कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं, एसीटोन से मिथेनॉल को सेपरेट कर लेते हैं। तो ऐसे लिक्विड का सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से लो होता है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जिसको कि हम वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं, इसी को हम लो टेम्परेचर डिस्टिलेशन बोलते हैं। इस मेथड में हम ऐसे लिक्विड का डिस्टिलेशन करते हैं जो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे पास एक एग्जांपल है ग्लिसरॉल का, जिसको कि हम ग्लिसरीन बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है 290 डिग्री सेल्सियस। तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये बताता है कि जब लिक्विड बॉइल होता है तो उस समय उसके वेपर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि 290 डिग्री सेल्सियस पे ग्लिसरॉल जो है वो बॉइल होगा, और जब ग्लिसरॉल बॉइल होगा तो ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो प्रेशर जो है यहाँ पे कितना होगा, वो होगा 1 atm, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, ये 760 mmHg के इक्वल होता है। तो ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस है, और उस समय प्रेशर जो है कितना होता है 1 atm, जिसको कि हम 760 mmHg बोलते हैं। अब ग्लिसरॉल के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम ग्लिसरॉल को हीट करते हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर पहुंचने से पहले ग्लिसरॉल क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ग्लिसरॉल का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो फिर ग्लिसरॉल का प्योरिफिकेशन जो है वो हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ग्लिसरॉल के बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करना है। अब ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट कैसे रिड्यूस होगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें पता चला कि प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कम करना है, इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है, तो प्रेशर को भी रिड्यूस करना होगा। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हमें रिड्यूस करना होगा। तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं जो यहाँ के प्रेशर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब कितना रिड्यूस कराना है ताकि ग्लिसरॉल जो है वो डिकम्पोज ना हो, तो ग्लिसरॉल का प्योरिफिकेशन जो है वो हम 180 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे ग्लिसरॉल का डिकम्पोजिशन नहीं होता, और जब टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, ये टेम्परेचर तभी पॉसिबल है जब हम वैक्यूम पंप से प्रेशर को कितना कर दें, प्रेशर हमारा 12 mmHg हो जाए, मतलब 760 mmHg से घटके कितना हो जाए, 12 mmHg। तो जब हमने वैक्यूम पंप से प्रेशर को 12 mmHg किया, ये मैनोमीटर लगा हुआ है जो कि प्रेशर को मेजर करेगा, तो फिर यहां पे रखा ग्लिसरॉल जो है वो बॉइल होगा, बॉइल होने पे वेपर यहां पे आएगी, यहां पे कंडेंसर लगा हुआ है, वेपर कंडेंस होके इस रिसीवर में गिर जाएगी। तो यहां पे हमको प्योर ग्लिसरॉल जो है वो मिल जाता है। तो प्योर लिक्विड यहां पे क्या है, ग्लिसरॉल है। तो प्योर ग्लिसरॉल जो है वो हमको यहां पे मिल जाता है। तो यहां पे हमने जो ग्लिसरॉल लिया है वो कैसा है, वो इम्प्योर है। तो
ऐसे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू, जिसको कि हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलते हैं, इम्प्योर ग्लिसरॉल को प्योर कर लेते हैं। तो अब हम स्टीम डिस्टिलेशन की बात करेंगे। तो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू हम ऐसे लिक्विड को प्योरीफाई करते हैं जो स्टीम में तो सॉल्युबल होता है लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो ऐसे लिक्विड हमारे हो सकते हैं एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोटोलुइन। तो एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोटोलुइन, ये तीन लिक्विड हैं, इनका प्योरिफिकेशन हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों लिक्विड जो है स्टीम में तो सॉल्युबल है लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो हमें इनमें से किसी भी लिक्विड का अगर हमें प्योरिफिकेशन करना है तो हमें इस फ्लास्क में लेना होगा। तो यहाँ पे हम वो लिक्विड लेते हैं जिसको हमें प्योरीफाई करना होता है, और यहाँ पे हमने वाटर रखा इस कंटेनर में, इसको हीट करेंगे तो स्टीम बनेगी, तो स्टीम जो है यहाँ पे आएगी। तो स्टीम में ये जो लिक्विड है वो कैसा हो जाएगा? वोलेटाइल हो जाएगा, स्टीम में सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये वेपर बन के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमने कंडेंसर लगाया हुआ है तो ये वेपर कंडेंस होके यहाँ पे आएगी। अब इस फ्लास्क में जो है वाटर वेपर भी होगी और इस लिक्विड की वेपर भी होगी। तो वाटर जो है वो उसकी डेंसिटी लो होती है तो ऊपर रहेगा, और ये जो लिक्विड है इनकी डेंसिटी हाई होती है, इस कारण ये नीचे वाले लेयर में होंगे। तो जो हमारा एनिलीन है इसकी डेंसिटी 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है इसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो हमारा क्लोरोटोलिन है इसकी डेंसिटी 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो हमारा वाटर होता है इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्योंकि ये जो लिक्विड है इनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, इस कारण ये वाटर से हैवियर होंगे, और वाटर हमारा कैसा होगा? लाइटर होगा। तो वाटर चूंकि लाइटर है तो ये अपर लेयर में रहेगा, लोअर लेयर किसकी होगी? लिक्विड की होगी। तो बस चूंकि ये लिक्विड वाटर में तो इनसॉल्युबल है तो हम इसको सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। तो प्योर लिक्विड हमको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हमने लिक्विड लिया था वो कैसा था? इम्प्योर था, इसमें इम्प्योरिटीज थी। तो इसकी इम्प्योरिटीज को हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। क्या करना है? वाटर लेना है कंटेनर में, उसको हीट करेंगे तो स्टीम बनेगी, स्टीम को हमें उस फ्लास्क में भेजना है जहां पे हमारा लिक्विड रखा हुआ है जिसको हमें प्योर करना है। तो ये लिक्विड स्टीम में वोलेटाइल होता है, स्टीम में सॉल्युबल है, तो स्टीम के साथ ये यहाँ पे आएगा, कंडेंसर के थ्रू इसको कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस रिसीवर में हमने इसको कलेक्ट कर लिया। क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी जो है वाटर से हाई होती है, इस कारण ये लोअर लेयर में रहेगा और वाटर जो है वो अपर लेयर में रहेगा। फिर वाटर और लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करेंगे? सेपरेटिंग फनल के थ्रू। तो ये हमारे स्टीम डिस्टिलेशन का वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।